press the bell icon on the YouTube app and let सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत की दो बहादुर बेटियां। एक तरफ आप देखेंगे नूपुर तिवारी को, उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत से ही कश्मीरी पत्रकार याना मीर, जो कि एक जबरदस्त सोशल एक्टिविस्ट भी है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसमें ये दोनों ना सिर्फ बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और कैसे पाकिस्तान ने कश्मीरियों के दिमाग में भारत के खिलाफ जहर घोला, उसकी सच्चाई बताएंगी आपको याना मीर। तो ये वीडियो काफी मजेदार होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। तो मजहब एंड हिस्ट्री, अगर कोई मजहब पाकिस्तान से कल्चरली कश्मीरियों को अगर थोड़ा सा क्लोज ला सकता है, तो उसका हिस्ट्री तो उसको और भी भारत के साथ क्लोज करेंगे। क्योंकि आप लोग जैसे अभी आप लोग मुस्लिम हो, लेकिन आपके किसी जनरेशन वही कश्मीर के हिंदूज थे, वही जनरेशन कश्मीर के आपके पंडित थे, जिन्होंने वेद लिखा, जिन्होंने शंकराचार्य का मंदिर निर्माण किए। तो वो हिस्ट्री भी तो जानना चाहिए कश्मीरी को, उस वो मैं हिस्ट्री तो से भी तो ये भी थोड़ा सा। कहूंगी एब्सोल्युटली वो जानना जरूरी है, और उसके लिए जहां तक मुझे पता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत चेंजेस भी की जा रही हैं एकेडमिक्स में। जेके बोस की जो टेक्स्ट बुक्स हैं, जेके बोर्ड की, एजुकेशन बोर्ड की टेक्स्ट बुक्स वगैरह में कुछ चेंजेस की जा रही है, सिर्फ इसलिए ताकि लोगों को ये पता रहे कि भाई आपकी हिस्ट्री क्या है। क्योंकि कश्मीरियों को बोला गया था राज तरंगिणी फेक, ये फेक, वो फेक, ललित आदित्य के बारे में किसी को नहीं पता, सन ऑफ द सॉयल जो किंग था वो तीन पावर्स को एक साथ लड़ रहा था, उसने कश्मीर को बचा के रखा, टिबेट से बचाया, रूस से बचाया, अरब इन्वेजन से बचा। अगर वो नहीं होता तो आज कश्मीर में कोई कश्मीरी नहीं बोल रहा होता, आज कश्मीर में लोग तिब्बती बोल रहे होते। ये तो हालत थी, तीन तीन साइड से जंग लड़ रहा था और जीत रहा था वो, ये ऐसा हीरो है कश्मीर का। लेकिन कश्मीरों को पता ही नहीं कि हमारा एक कोई राजा था ललित आदित्य नाम का। तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि मदरसा कल्चर हैड गॉटन ओवर देम। लेकिन अगेन, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल उस जमाने में अच्छी होती, टिकाऊ होती, लोग वहां जा रहे होते पढ़ने लिखने के लिए, अपने बच्चों को भेज रहे होते, तो बच्चे जाना करना मना बोल के बड़े होते, उनको सारा कुछ पता होता अपनी हिस्ट्री का। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत ऐसी थी कि उन बच्चों को उनको भेजना पड़ा। क्योंकि मुझे एक चीज पता, हर कश्मीरी माँ बाप पहले उनका प्रेफरेंस होता है कि यार हमारा बच्चा आर्मी स्कूल में जाए, लेकिन आर्मी स्कूल में ओपनिंग्स कम होती है सिविलियन बच्चों के लिए। अब वो कहाँ भेजे गए? गवर्नमेंट स्कूल उस हालत में थी नहीं, तो दे हैव टू सेंड टू इस्लामिक स्कूल्स। अब इस्लामिक स्कूल्स, मैं नहीं कह रही कि इस्लामिक स्कूल गलत है, लेकिन वहां में जो इस्लामिक स्कूल्स थी वो सारे अहले हदीस और जमात इस्लामी से फंडेड थी, और उस वजह से जो है गलत रेटोरिक बच्चों को सिखाया जा रहा था कि इंडिया दुश्मन है, ये है, वो है। मैं आपको एक फन फैक्ट बताती हूँ। नूपुर, अहमदियास को लेके हम बहुत शोर मचाते हैं ना इंडियंस, और ये अहमदियास को मारा जा रहा है पाकिस्तान में, मेरे आंख से एक आंसू नहीं टपकेगा किसी भी अहमदिया के लिए, बिकॉज इट इज कर्मा कैचिंग ऑन टू देम। बताओ क्यों? पहला जो जो मुझे उनके नाम याद नहीं, गुलाम परवेज कुछ ऐसा नाम था उनका, ही वॉज अहमदिया जो पाकिस्तान से आया, पहली स्पीच जो कश्मीरियों के दिमाग में उनके अंदर जो पॉइजन डाला गया हिंदूज के खिलाफ और बाकी इंडियंस के खिलाफ, वो उस गुलाम परवेज या जो भी उनका नाम था, वो अहमदिया थे कोई, वो उन्होंने किया स्टार्ट चिंगारी वहां से। जो राजा गुलाब सिंह थे उनके खिलाफ कश्मीरीज को जो भड़काया उसने, उसने कहा कि हम पत्थर उठाएंगे, कुछ भी हटाएंगे, लेकिन इन हिंदुओं को यहां से भगाएंगे, जो उसने उनके दिमाग में डाला, एंड ये बोल के डाला कि जॉब्स क्यों सारे हिंदुओं को जा रहे। सी, राजा गुलाब सिंह वॉज अ जस्ट एंड फेयर लीडर, और अगर उससे कोई गलती हो रही थी तो वो प्रोटेस्ट कर सकते थे, वो बोल सकते थे उनको कि भाई ये हमारी प्रॉब्लम है, आप इसको सीधा करो। लेकिन लड़ना लड़ाना, पत्थर उठाने का कल्चर उस बंदे ने शुरू किया। आज देखो अहमद यास की क्या हालत हो रही है पाकिस्तान में, आप खुद देख रहे हो, दिस इज कर्मा कैचिंग अप, दिस इज कर्मा कैचिंग अप। और फिर वहां उसके बाद तो वो फिर एक वो मतलब सिलसिला ही शुरू हो गया। हर कोई लीडर पाकिस्तान में जो आता था वो कश्मीरियों को पहले भड़काने का काम करता था, फिर अपनी आवाम की तरफ देखता था, चाहे वो बेनजीर भुट्टो या कोई भी। तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो हैं वो इस ग्रिप में आ गए, पाकिस्तान के इस पॉलिटिकल ग्रिप में आ गए। हमें नहीं समझ में आई बात की। जिस अहमदिया की बात आप किए, कितने कौन से ईयर की बात कर रहे थे? बहुत पुरानी बात है, 1930s की बात है। अच्छा। शायद जब
हाँ, तो इसीलिए यौम में शुहा था कोई हम मनाते थे, हमारे हमारे पहला वाला जनरेशन कुछ यौम में कुछ था जो मनाते थे यौम में शुहादा, जिसमें हम उनके मरने का जो वहां पर जो ये लोग थे जो इस अहमदिया की वजह से जो बरगलाए हुए लोग थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे इंडिया के खिलाफ, जब उनको उनकी मौत का शोक हम मनाते हैं यौम शुहादा में। तो इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि अब आप देखो कश्मीर के सियासतदान भी देखो कितनी जहरीली इन्होंने सियासत की। एक तरफ ये ओथ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की जब ये सीएम बनते हैं, दूसरी तरफ यौम शुहादा भी मनाने जाते हैं, वही यौम शुहादा जहाँ पे कश्मीरी हैड रिजन अगेंस्ट इंडियन रूलर और हिंदू रूलर। तो आप देखो ये डबल गेम कैसे हमेशा से ये खेलते रहे हैं। इसी वजह से क्या है कि कश्मीरी भी इनको ट्रस्ट नहीं करते और ना ही जो है रेस्ट ऑफ द इंडियंस इनको ट्रस्ट करते। जी आज जो पहले जो आपने बोला कि स्कूल कर्फ्यू लग जाते थे, स्कूल नहीं जा पाते थे, कॉलेज नहीं जा पाते थे, तो एजुकेशन बहुत सारा डिस्टर्ब होते थे, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द गर्ल्स एजुकेशन। और मैं दो बार एक्चुअली मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअली बहुत कनेक्टेड हूँ कश्मीर से, एंड द लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, मुझे लगता है कि उस मिट्टी में कुछ है डेफिनेटली। तो मैंने जो देखा, मैंने बहुत सारे सेशंस लिए वहाँ पे, बहुत सारे कॉलेजेस स्कूल्स में गई, तो गर्ल्स जो बहुत सारे जगह पे, मैंने एक भी गर्ल्स को बहुत सारे जगह पे विदाउट बुरखा नहीं देखा, बस मैं उनके आंखें देखे, मैं उनके बहुत खूबसूरत चेहरा देखना चाहती थी, बस अनफॉर्चुनेटली बस आंखें देखे। तो उनके ऊपर कितना, मैं नहीं बोल रही हूँ कि गलत अगेंस्ट में है या इसके करना चाहिए नहीं करना चाहिए, डेफिनेटली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ रिलीजन, बट ये उनके ऊपर कितना थोपा जाता है या वो लोग अपने आप बुरखा पहनती है। दिल से करते हैं, स्पिरिचुअल हब है वो, आपने सही कहा, स्पिरिचुअलिटी है उनके अंदर, वो दिल से करते हैं। एंड हिजाब में देर इज नो प्रॉब्लम आई फील, एज लॉन्ग एज यू जस्ट कवरिंग योर हेड। बुरका में देर इज अ प्रॉब्लम, एंड बुरके से मैं भी सख्त नफरत करती हूँ, बिकॉज बुरका इज नॉट आवर कल्चर। हिजाब इज जस्ट अ साइन ऑफ मॉडेस्टी, हिजाब कोई भी कर सकते। मैं तो बोलती हूँ हिंदू लड़कियां भी कितनी करती हैं हिजाब, घूंघट रखती हैं, हिजाब तो नहीं करती। तो हिजाब इज अ घूंघट की तरह ही होता है, साइन ऑफ मॉडेस्टी, ठीक है, वो कोई भी कर सकता है, क्रिश्चियन नंस भी तो करती है, कोई भी कर सकता है, हिजाब इज नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज द बुरका, दैट इज एन अरब वर्जन, दैट इज एन अरब सेंस ऑफ ड्रेसिंग। एंड मुझे नहीं अच्छा लगता जब कहीं का भी कल्चर अरबाइज हो जाता है, जब उनका खुद का कोई ढंग का कल्चर नहीं, उनके कल्चर में ना कोई कलर है, उनके कल्चर में ना कोई म्यूजिक है, उनके कल्चर में ना कोई खूबसूरती है, कुछ है ही नहीं। तो उस कल्चर को, उस भद्दे कल्चर को अपनाने का मुझे सेंस समझ में नहीं आता, क्योंकि मेरे कुराने पाक में तो ऐसा नहीं लिखा है कि भाई आपको अबाया में रहना है, पूरा यहाँ से यहाँ तक काले कपड़ों में पहन के घूमना है। मुझे एक आयात दिखा दो जिसमें ऐसे लिखा है, उसमें तो बस लिखा है कि मॉडेस्टी अच्छी चीज होती है, इससे लड़कियां सेफ रह सकती हैं। इसमें इतना ही लिखा है कि सूर्यल अजहब में इतना ही लिखा है कि उसमें तो सूर्यल अजहब में तो लड़कों के लिए भी हिजाब लिखा है, पहले लड़कों के लिए लिखा है, लड़कों का हिजाब ये है कि कोई लड़की पास हो रही है, गैर लड़की आपको नजरें नीची करनी है, ये लड़कों का हिजाब है, ठीक है ना। उसके बाद लड़कियों का लिखा है, वो भी इसलिए लिखा है इफ यू फील अनसेफ, अगर आपको अनसेफ लग रहा है, पहले तो ये लिखा है कि पहले तो ट्रांसपेरेंट कपड़े ना पहनो और अपने छाती को ढक लिया करो कपड़ों से, इतना ही लिखा है। अब इसको अगर आपको अनसेफ लग रहा है, तो अब इसको आप लोगों ने क्या बना दिया, मतलब लोगों ने क्या इसको तफसीले कर करके क्या बना दिया, इसको बुरका अबाया, ये क्या मतलब अरब कल्चर को यहाँ लाने की साजिश क्यों। आउटसाइडर कल्चर मैं कभी वेलकम नहीं करूंगी अपने इंडिया में। एंड हिजाब जो है खूबसूरत चीज है, और जो मेरी बहनें हैं कश्मीर में, वो दे बिलीव इन मॉडेस्टी, और मुझे लगता है कि उनको वो कर लेने देना चाहिए, क्योंकि नंस भी हिजाब करती है। कई लड़कियां जो थोड़ी कंजर्वेटिव हिंदू फैमिलीज की, हरियाणा में, राजस्थान में, वो भी घूंघट करती है, मुझे वो खूबसूरत लगता है, इट इज देयर कल्चर। हाँ, अगर थोपा जा रहा है तो इट इज नॉट गुड, लेकिन अगर उनको दिल से करना है तो उसमें कुछ, इट इज हार्मलेस, क्योंकि आप फिर भी चेहरा देख सकते हो, कोई आइडेंटिटी ब्रीच नहीं होगी, कोई सिक्योरिटी ब्रीच नहीं होगी उससे। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा, और हमेशा की तरह याना मीर का धमाकेदार इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें याना मीर ने ना सिर्फ बात की कश्मीर की ग्राउंड रियलिटी की, बल्कि पाकिस्तान की भी पोल खोली, कैसे पाकिस्तान ने कश्मीरी यूथ के दिमाग में हमारे देश के खिलाफ जहर घोला और कश्मीर के हालात खराब किए। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसे लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।